हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया जहां पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड रिटर्न क्लास नोट्स के साथ हमारे सभी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास एट्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फाइव स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और आज के इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि टू डिजिट नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं और मेंटली निकाल सकते हैं और उसी के साथ साथ हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के बहुत सारे पार्ट है जिनके लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो लेट अ नंबर हमारे लिए जो छोटे छोटे नंबर्स हैं उनका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है क्योंकि हम उनका टेबल डेली पढ़ते हैं बट समाइम्स वी हैव फाइंड द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 23 का स्क्वायर दिया है विच मींस 23 थ्री मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी सबसे बेसिक मेथड में जाएं तो 23 को ऊपर नीचे लिखे हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट जैसे जैसे ये नंबर्स बड़े होते जाते हैं ये वाला जो तरीका है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी हो जाता है कभी कभी गलत भी हो सकता है सो फॉर दैट वी हैव अ क्विक मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर्स वो है हमें इस नंबर को स्प्लिट करना होता है टेंस एंड वंस में जिन्हें ऐड करके हमें ये वाला नंबर मिलता है तो ट्वेंटी थ्री को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं टेंस प्लेस यानी कि ट्वेंटी एंड वन प्लेस यानी कि थ्री में ट्वेंटी थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी प्लस थ्री होल स्क्वायर क्या ये ए प्लस बी होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है जो हमने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा है अ वेरी फेमस फॉर्मूला इस फॉर्मूले का एक्सपेंशन है ए स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस बी का स्क्वायर इसी फॉर्मूले में हमें इस टू डिजिट नंबर के एक्सपेंशन को फिट करना है जहां पे ए है ट्वेंटी बी है थ्री ए स्क्वायर मीन्स ट्वेंटी का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी ए मल्टीप्लाई बाई बी दैट इज थ्री इसे हम ब्रैकेट में लगते हैं प्लस बी का स्क्वायर दैट इज थ्री स्क्वायर ट्वेंटी का स्क्वायर हम है, मेंटली कर सकते हैं टू टू ज़ा फोर और जितने जीरो है उसका डबल ज़ीरो लिखना है यहाँ पे एक जीरो है आंसर में दो जीरो लिखेंगे सो so, ट्वेंटी स्क्वायर इज फोर हंड्रेड प्लस टू मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई थ्री तो टू थ्री जा कर लेते हैं पहले टू थ्री जा सिक्स होता है अब सिक्स मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी और ईजी है सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू कर लेते हैं दैट इज सिक्स टू जी ट्वेल्व और साथ में ये वाला जीरो प्लस थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री ज़ा नाइन अब ये दिखने में भी आसान है फोर हंड्रेड इसके साथ एक और हंड्रेड अगर हम ऐड कर लेते हैं तो फाइव हंड्रेड ट्वेंटी टेंस एंड नाइन वन्स, दैट इज ट्वेंटी नाइन फाइव हंड्रेड ट्वेंटी नाइन इज द स्क्वायर ऑफ ट्वेंटी थ्री तो वही चीज़ हमने इस तरीके से कन्वेंशनल मेथड में भी निकाला था इसी मेथड को फॉलो करते हुए 39 का स्क्वायर निकालते हैं पहले इसे स्प्लिट करते हैं 39 नाइन इज इक्वल टू थर्टी प्लस अब हमें A B के रूप में इसे तोड़ना होल स्क्वायर है थर्टी का स्क्वायर टू ए बी है टू मल्टीप्लाई बाई थर्टी मल्टीप्लाई बाई नाइन प्लस बी स्क्वायर है 9 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर मेंटली कर सकते हैं थ्री थ्री जन नाइन और साथ में दो जीरो नेक्स्ट स्टेप में में करते हैं 18. 18 3 54. 18 54 और साथ में ये वाला 0. 9 का स्क्वायर nine इसे मेंटली ऐड करना थोड़ा सा टफ लगता है तो साइड में हम ऐड कर सकते हैं वी विल गेट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी स्क्वायर चलिए नेक्स्ट नंबर टू का जो स्क्वायर है ए प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से तो टेक्स्ट बुक में दिया है मैं आपको मेंटली शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं वो एक बार सिखाती हूँ इसमें लॉजिक हमारा वही है ए प्लस बी होल स्क्वायर ही है जो हम मेंटली करने वाले हैं तो देखिए स्टार्टिंग करना है हमें वंस प्लेस से और लिखना शुरू करना है राइट right से लेफ्ट तक तो वंस प्लेस का नंबर स्क्वायर करना है टू स्क्वायर टू टू जोर उसके बाद ये वाला स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये नंबर एंड देन द प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर सो टू टू जा फोर 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 जा सिक्सटीन तो यहाँ पे सिक्सटीन का वंस प्लेस का डिजिट सिक्स हम लिखेंगे वन लिखेंगे कैरी दिस इज द सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप में हम टें प्लेस का जो नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं दैट इज फोर फोर जिक्सटीन और जो कैरी वाला नंबर है उसे ऐड करते हैं प्लस वन इज सेवनटीन जिसे हम पूरा लिखेंगे सो फोर्टी टू का स्क्वायर है वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फोर जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है कुछ ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट में फाइव हो उनका स्क्वायर निकालना तो और भी आसान है और भी मेंटली हो सकता है इसके लिए हम क्या करते हैं यूनिट्स प्लेस का जो नंबर है दैट इज फाइव उसका स्क्वायर डायरेक्टली एज इट इज लिख देते हैं फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव सेकेंड स्टेप में जो टें प्लेस वाला नंबर है उसका कन्जीक्यूटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो टू के बाद क्या आता है थ्री आता है टू एंड थ्री का प्रोडक्ट क्या है टू थ्री ज़ा सिक्स तो ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर है सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव लेट इज डू नेक्स्ट वन थर्टी फाइव का स्क्वायर फाइव यूनिट्स प्लेस पे है तो इसका स्क्वायर करते हैं फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव डायरेक्ट लिखेंगे थ्री के बाद क्या आता है फोर आता है और इनका प्रोडक्ट क्या है थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व तो थर्टी फाइव का स्क्वायर है वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सेम तरीके से हम थ्री डिजिट नंबर का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं अगर एंड में फाइव हो स्टेप वन फाइव का स्क्वायर हमें लिख देना है फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव स्टेप टू ट्वेल्व सामने लिखा है तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या है थर्टीन तो हमें ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई थर्टीन करना है विच इज़ वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स तो वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर होता है फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इस तरीके से अब हम नाइन्टी फाइव का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं फाइव का स्क्वायर है ट्वेंटी फाइव नाइन के बाद वाला नंबर है टेन कंसेक्यूटिव नंबर एंड नाइन टेन जाइन जीरो नाइन्टी सो नाइन्टी फाइव का स्क्वायर होता है नाइन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव उसके बाद हमारे टेक्स्ट बुक में एक न्यू टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अब ये क्या होता है आपने पिछले क्लास में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के है ना तो इसी से रिलेटेड कुछ ये वाला है जिसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है तीन नंबर्स, तीन नंबर का जिनका जब स्क्वायर हम करते हैं तो उनमें से दो का स्क्वायर को ऐड करते ही तीसरे वाले नंबर का स्क्वायर के बराबर का नंबर हमें मिलता है जैसे यहाँ पे देखिए थ्री का स्क्वायर है नाइन फोर का स्क्वायर है सिक्सटीन नाइन प्लस सिक्सटीन अगर हम करते हैं हमें मिलता है 25 और ये 25 फाइव भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो हम बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इसीलिए 3, 4 एंड 5 जो है ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है यहाँ पे एक सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर होता है एक मीडियम मेंबर होता है और एक सबसे बिगेस्ट मेंबर होता है उसी तरीके का एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है सिक्स एट एंड टेन सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर इन्हें जब हम ऐड करते हैं तो हमें हंड्रेड मिलता है जो कि होता है टेन का स्क्वायर सो वी कैन से दैट सिक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर विल बी इक्वल टू टेन स्क्वायर दैट इज वाई सिक्स एट एंड टेन आर पाइथेगोरियन ट्रिपलेट्स अब डायरेक्टली चलते हैं कि इन पाइथेगोर ट्रिपलेट्स को कुछ फॉर्मूले के रूप में हमें याद रखने के लिए इजी हो जाए ऐसे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो पाइथोर ट्रिपलेट का सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर होगा, उसे हम 2m से डिनोट करेंगे जो मिडिल वाला नंबर होगा उसे हम एम स्क्वायर माइनस वन से डिनोट करेंगे और जो सबसे बिगेस्ट वाला होगा उसे एम स्क्वायर प्लस वन से डिनोट करेंगे तो मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा आता है राइट अ पाइथेगोरियन ट्रिपलेट मेंबर इज एट और हमें पता है स्मॉलेस्ट एम मेंबर को हम टू एम बोलते हैं तो अब हम निकाल सकते हैं टू एम इज इक्वल टू एट तो एम का वैल्यू हम निकाल सकते हैं टू को ट्रांसपोज करके एट डिवाइडेड बाई टू वी विल गेट फोर टू वन जा टू टू फोर जा एट तो एम की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई इस एम की वैल्यू से हम एम स्क्वायर माइनस वन निकाल सकते हैं अब जो कि होगा हमारा मिडिल वाला टर्म m है फोर तो फोर स्क्वायर माइनस वन दैट इज फोर फोर माइनस वन क्या आता है 15. तो एक मेंबर मिडिल मेंबर फिफ्टीन आ गया अब हम एम स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू निकालेंगे दैट इज आवर बिगेस्ट मेंबर फोर फोर 16 प्लस वन हो जाता है सेवनटीन तो शुरू में ही हमने टू एम निकाला था एट उसके बाद मिडिल टर्म निकाला 15 और बिगेस्ट टर्म निकाला 17. सो एट फिफ्टीन एंड सेवनटीन इज दाइथेगोरियन ट्रिपलेट इन दिस क्वेश्चन अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड अन ट्रिपलेट इन विच वन तो सबसे ईजी होता है अगर हम 2m को ही हमारा गिवन नंबर ले लेते हैं तो m विल बी इक्वल टू 12 को डिवाइड कर देंगे 2 से 2 को ट्रांसपोज कर लेंगे तो टू वन जू टू सिक्स एम की वैल्यू मुझे यहाँ पे सिक्स मिल गई तो बाकी दो मेंबर्स को भी मैं निकाल सकती हूँ बाकी दो मेंबर्स होंगे एम स्क्वायर माइनस वन एंड एम स्क्वायर प्लस वन तो एम स्क्वायर मतलब सिक्स का स्क्वायर सिक्स इज द थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स माइनस वन होगा थर्टी फाइव एंड थर्टी सिक्स प्लस वन होगा थर्टी सेवन तो यहीं पे मुझे तीनों नंबर्स मिल गए चलिए चलते हैं एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू के क्वेश्चन की तरफ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सबसे पहले है थर्टी टू मेंटली हम कैसे कर सकते हैं यूनिट प्लेस के डिजिट का स्क्वायर टू टू ज फोर उसके बाद टू मल्टीप्लाई बाई टू इज फोर फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री ट्वेल्व जिसमें से टू लिख के वन को कैरी थर्ड स्टेप में टेंस प्लेस के डिजिट का स्क्वायर थ्री थ्री जा नाइन प्लस कैरी यानी कि नाइन प्लस वन टेन ये आंसर आना चाहिए अब टेक्स्ट बुक में कैसे सॉल्व किया हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हमें इसे लिखना है जैसा कि हम एग्जाम्स में करेंगे दैट इज थर्टी प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू थर्टी का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाई थर्टी मल्टीप्लाई बाई टू प्लस टू का स्क्वायर थर्टी का स्क्वायर मेंटली कर सकते हैं थ्री थ्री 9 नाइन और साथ में दो जीरो नेक्स्ट टू ए बी को भी मेंटली कर सकते हैं टू टू 4 फोर फोर मल्टीप्लाई बाई थर्टी तो फोर थ्री 12 ट्वेल्व में ये वाला जीरो प्लस टू टू 4 फोर अब देखिए नाइन हंड्रेड के साथ वन हंड्रेड एड कर देंगे तो वन थाउजेंड मिल गया डायरेक्टली ट्वेंटी एंड फोर मेक्स ट्वेंटी फोर सो वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर इज द स्क्वा अगला वाला है थर्टी फाइव का स्क्वायर कोई भी नंबर जिसके वन प्लेस पे फाइव हो इसका स्क्वायर निकालना बहुत ही ईजी है हमें फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव करना होता है और सामने क्या लिखना होता है टेंस का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर के साथ सो इट बिकम्स फोर थ्री जै ट्वेल्व एंड फाइव फाइव जै ट्वेंटी एंसर थर्ड वन इज 86 सिक्स स्क्वायर इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं 80 प्लस सिक्स होल स्क्वायर देन ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इट बिकम्स एटी स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाई एटी मल्टीप्लाई बाई सिक्स प्लस सिक्स स्क्वायर एटी स्क्वायर इज एट एट ज़ा सिक्सटी फोर और साथ में दो ज़ीरो प्लस सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व ट्वेल्व एट ज़ा नाइन्टी सिक्स विथ दिस ज़ीरो प्लस सिक्स का स्क्वायर सिक्स सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स इन सब को हम ऐड करेंगे वी विल गेट सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन्टी सिक्स आवर आंसर अगला वाला नाइन्टी थ्री स्क्वायर इसे हम स्प्लिट करेंगे नाइन्टी प्लस थ्री होल स्क्वायर में देन नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट ए स्क्वायर इज नाइन्टी स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाई नाइन्टी मल्टी मल्टीप्लाई बाई थ्री प्लस थ्री स्क्वायर नाइन्टी का स्क्वायर है नाइन नाइन ज़ा एटी वन साथ में दो जीरो प्लस थ्री टू जा सिक्स सिक्स नाइन ज़ा फिफ्टी फोर और साथ में ये वाला ज़ीरो प्लस थ्री थ्री नाइन अब इन तीनों को ऐड करेंगे वी विल गेट एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी नाइन लेट इस मूव ऑन टू आर नेक्स्ट स्क्वायर सेवेंटी वन का स्क्वायर निकालना है हम इसे 70 प्लस वन में स्प्लिट कर सकते हैं सेवेंटी प्लस वन होल स्क्वायर ए स्क्वायर इज सेवेंटी स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाई सेवेंटी मल्टीप्लाई बाई वन प्लस वन स्क्वायर सेवेंटी का स्क्वायर होता है सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन और साथ में दो जीरो प्लस टू वन ज़ा टू जिसे मल्टीप्लाई करेंगे सेवेंटी के साथ सेवन टू ज़ा फोर्टीन और साथ में ये वाला जीरो प्लस वन का स्क्वायर वन होता है इन तीनों को ऐड करेंगे रफ कॉलम में वी विल गेट फाइव थाउजेंड फोर्टी वन आवर आंसर नेक्स्ट इज फोर्टी सिक्स स्क्वायर जिसे हम स्प्लिट कर सकते हैं फोर्टी प्लस सिक्स होल स्क्वायर में नव एक्सपेंडेड फोर्टी स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाई फोर्टी मल्टीप्लाई बाई सिक्स प्लस सिक्स स्क्वायर फोर्टी स्क्वायर इज फोर फोर ज़ा सिक्सटीन साथ में जो दो ज़ीरो प्लस सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व ट्वेल्व फोर ज़ा फोर्टी एट और साथ में ये वाला जीरो प्लस सिक्स सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स इन तीनों को ऐड करेंगे रफ कॉलम में वी विल गेट 2116 उजेंड वन पाइथागोरियन ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन तो हमें जो भी नंबर दिया हुआ है उसे हम टू एम लेके चलेंगे तभी हमें एम की वैल्यू मिल पाएगी तो सबसे पहले हमारे पास है सिक्स सपोज टू एम इज इक्वल टू सिक्स तो उससे हम एम निकाल सकते हैं एम इज इक्वल टू सिक्स डिवाइडेड बाई टू दैट इज थ्री अब हम एम स्क्वायर माइनस वन निकाल सकते हैं लिख के भी लिख सकते हैं एंड मेंटेली भी कर सकते हैं एम इज़ थ्री सो थ्री स्क्वायर इज नाइन नाइन माइनस वन इज एट एंड एम स्क्वायर प्लस वन क्या होगा थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन प्लस वन इज टेन तो पाइथेगोरिन ट्रिपलेट यहाँ पर बनते हैं ये वाला सिक्स एट एंड टेन दिस इज़ द आंसर फॉर फर्स्ट उसके बाद पाइथेगोन ट्रिपलेट का वन मेंबर है फोर्टीन टू एम इज़ इक्वल टू फोर्टीन उससे हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी फोर्टीन डिवाइडेड बाई टू इज सेवन अब हम दूसरा मेंबर निकालते हैं एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू सेवन स्क्वायर माइनस वन सेवन स्क्वायर इज सेवन सेवनज ऑफ फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन में से वन माइनस फोर्टी एट एम स्क्वायर प्लस वन तीसरा सेवन स्क्वायर सेवन सेवनजा फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन प्लस वन इज फिफ्टी तो यहाँ पे पाइथ ट्रिपलेट का एक मेंबर अगर फोर्टीन है दूसरा मेंबर है फोर्टी एट और तीसरा मेंबर है फाइव जीरो फिफ्टी उसके बाद नंबर थ्री इज सिक्सटीन सो हियर टू एम इज इक्वल टू सिक्सटीन एम की वैल्यू हमें मिल जाएगी सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू इज एट एम स्क्वायर माइनस वन इज एट स्क्वायर सिक्सटी फोर एट एट 64 सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर में से वन माइनस सिक्सटी थ्री ये है मिडिल टर्म उसके बाद सबसे बिगेस्ट टर्म एम स्क्वायर प्लस वन सिक्सटी फोर में से वन प्लस दैट इज सिक्सटी फाइव तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर अगर सिक्सटीन है दूसरा वाला मेंबर है सिक्सटी थ्री एंड तीसरा वाला मेंबर है सिक्सटी फाइव दिस इज द आंसर एंड द लास्ट क्वेश्चन इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर है एटीन सपोज टू एम इज इक्वल टू एटीन एम की वैल्यू 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9। दूसरा वाला टर्म एम स्क्र माइनस वन की वैल्यू नाइन स्क्वायर इज 81 वन एटी वन माइनस वन इज एट जीरो एटी एंड थर्ड टर्म एम स्क्र प्लस वन एटी वन प्लस वन इज एटी टू तो ये वाला जो पाइथेगोरियन ट्रिपलेट हुआ इसका एक मेंबर है 18, दूसरा वाला मेंबर है 80, तीसरा वाला मेंबर है 82. टू सो दिस इज आवर आंसर दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू आगे हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे कि अगर अगर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है वो किस नेचुरल नंबर का स्क्वायर है वो हम निकालना सीखेंगे सो स्टेट विल मीट वेरी सोन थैंक यू वेरी मच बाय बाय